और यह जनसंवाद कार्यक्रम में भी प्रज्वलन करते हुए हमारे मुख्य अतिथि सहित संयुक्त तमाम लोग ताली के साथ हम लोग आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय मुखिया जी से आग्रह होगा कि रंजन देवी का आप संयुक्त रूप से आकर आज दीप प्रज्वलन साथ दे रही हैं। सरपंच महोदया, पंचायत समिति सदस्य, तमाम लोग दीप प्रज्वलन का कार्य करते हुए प्रमुख महोदया तमाम जिला से उपस्थित हमारे पदाधिकारी गण दीप प्रज्वलन के कार्य में करते हुए यहाँ पर श्रद्धा एवं रूप सभी आ जाए इधर स्वागत गान लेकर दो माइक में एक और माइक नीचे एक साइड से घूम जाओ हाँ वही राजीव स्वागत गान लेकर उपस्थित हो रही है प्लस टू धर्मपुर का स्वागत करेंगे इस पंचायत की माननीय माननीय मुखिया जी स्वागत स्वरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी समेरी सर से आग्रह होगा कि सॉल के द्वारा सर को सम्मानित करते हुए और प्रतीक मोमेंट और समेरी परिक्षेत्र के हम सबों के व्यक्तित्व के धनी धरोहर आदरणीय सम्माननीय सर इधर साहित्य रत्न अनुपलाल मंडल सर का बहुत बड़ा प्रति निश्चय ही बात है सर को देते हुए इस परिजन के इस परिक्षेत्र के हम सबों के धरोहर निश्चय ही साहित्य संगीत कला तमाम विधाओं में अपनी महती भूमिका रखते हुए अब ताली में मैं चाहूंगा ताली बजाकर हम सबों का स्वागत करेंगे क्योंकि सबकी सोच को आकार दिया है आपने हम पर उपकार किया है आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज आपने इस जनसंवाद कार्यक्रम को शाबा के समान करेंगे। चलिए बढ़िया हमारे सर इधर सम्मानित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कटिहार सवाल लेकर सम्मानित करते हुए अगले कड़ी में हमारे बीच उपस्थित डीआरडीए निदेशक बीपीआरओ सर से आग्रह होगा कि आए और हमारे डीआरडीए निदेशक महोदया को आप सम्मानित करेंगे और हमारे उपस्थित आयुक्त महोदय एडीएम सर जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित समेली प्रखंड की जनता मीडिया बंधुगण एवं सभी ग्रामीण मैं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय कटिहार काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि आप सबों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही है तो आप भी इतने ही जागरूक हैं उन योजनाओं के बारे में जानने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है कि आप उन योजनाओं का लाभ उठाएँ तो आज जो भी योजनाओं की जानकारी दी गई है तो आप इस पर अपने घर समाज में जरूर विचार करेंगे और आप जो भी आपसे संबंधित होगा मामला उसका लाभ आप अवश्य लेंगे। पुलिसिंग में ये है कि सभी प्रखंड में लगभग थाना है हमारे यहाँ 30 थाना है जिसमें से 22 थाना और 8 ओपी हैं। सरकार के द्वारा उन सभी ओपी को थाना में उत्क्रमित किया जा रहा है तो आपका जो कोठिया ओपी अंतर्गत ये पड़ता है तो ये भी अब कुछ दिनों में कोठिया थाना में परिवर्तित हो जाएगा जहाँ आप FIR भी नहीं दर्ज कराएंगे यहाँ से फॉरवर्ड होकर वो फलका थाना नहीं जाएगा आपका अपना थाना होगा और अपना थाना का भवन भी बड़ा थाना बनने का बिल्डिंग बनने का भी प्रस्ताव गया हुआ है वो भी बनेगा और साथ ही जो थाना को सुविधाएं प्राप्त होती है वो भी सुविधाएं ओपी को भी अब मिलेंगी क्योंकि अब सभी ओपी भी थाना में उपलब्ध हो जाएंगे। काफ़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए सबसे प्रमुख यहाँ पर हमारे यहाँ सभी 16 थानों में वर्तमान में महिला हेल्प डेस्क संचालित किया गया है जो विशेषकर महिलाओं के लिए ही है। महिला हेल्प डेस्क में पदाधिकारी महिला के रूप में ही पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं और साथ ही उनके सहयोग के लिए 2 महिला पुलिस बल भी दी गई है तो आप महिलाओं को जो भी समस्याएं हों घरेलू हों या आप बाहर जाते हैं काम करने के लिए काम के स्थल पर कार्यस्थल पर कोई आपके आपको समस्या झेलना पड़ता है तो आप महिला हेल्प डेस्क में जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। घरेलू मामलों में हमारा प्रयास सबसे पहले रहता है कि हम उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। अच्छा
दे दीजिए, बैठिए आप वहाँ, आपने पूछा जाएगा, बैठिए कुर्सी पे। तो महिला है देखते, महिलाएं बेहिचक अपनी समस्याओं को रख सकती हैं, तो आप अवश्य जाएं अगर कोई मामला हो तो। दूसरा, हमारे यहाँ महिला थाना सभी जिले में, राज्य के सभी जिले में एक महिला थाना है जहाँ महिलाओं से संबंधित कांड दर्ज किए जाते हैं। वैसे तो महिलाओं के ये विशेष अधिकार है कि वो अपने मामले किसी भी थाना में जाकर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष तौर पर महिला थाना इसलिए बनाया गया है कि आप वहाँ पर जाएंगी तो आपको अपना एक घरेलू माहौल मिलेगा, वहाँ पे पदाधिकारी महिलाएं होती हैं। आप बताना चाहती हूँ सरकार के द्वारा अभी हमारे जो विभाग का वेबसाइट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उस पर सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर म्यूटेशन की प्रक्रिया आप वहाँ से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और तय समय सीमा में उसका निष्पादन हो जाएगा, उसके लिए आपको अंचल कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है LPC, जो जिसके नाम से वो जमाबंदी चल रहा है उसके नाम से ऑनलाइन आवेदन देने के बाद LPC मिलना किया जाएगा। तीसरा है कि अभी आधार शेयरिंग कार्यक्रम चल रहा है, जिनका जमाबंदी है वो लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपना आधार का एक प्रति और उसमें मोबाइल नंबर पीछे लिखकर अंचल कार्यालय या हल्का कार्यालय में जाके उसको अपडेट करा लें। तीसरा है कि परिमार्जन में अगर जैसे ऑफलाइन रिकॉर्ड जो ऑनलाइन हुआ है तो प्रविष्टि में अगर कोई त्रुटि हुआ है, जैसे खाता खेसरा या नाम में कुछ सुधार कराना है, तो आप परिमार्जन के द्वारा उसको ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा RTPS सुविधा है जिसमें कि आय आवासीय जाति वो तय समय सीमा के अंदर आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा राजस्व विभाग आपदा भी देखती है जिसमें कि अगर पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है या आगजनी से, तो सारा का अनुदान आप अंचल कार्यालय से आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। पूर्व पश्चिम पंचायत में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित थे अपर संभागीय आपदा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, इस पंचायत के माननीय मुखिया जी, माननीय सरपंच जी, उपस्थित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, जीविका की दीदियाँ, मीडिया के बंधु और देवियों और सज्जनों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग ये जन संवाद कार्यक्रम कर क्यों रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग मंच पे देखिए कि विभिन्न विभागों के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और वो अपना अपने विभागों की योजनाओं के बारे में आपको बताया हुआ है। अक्सर लोग देखते हैं कि जब लोग प्रखंड में आते हैं या जिला में हम लोग से मिलने आते हैं, जानकारी के अभाव में वो उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती है, कई बार उनको पता नहीं होता है कि किनसे मिले कैसे मिले। तो सबसे पहला तो हमारी सरकार का निर्देश है कि हम लोग पंचायत में ही चले जाए, लोग जिला में आए या लोग ब्लॉक में आए, तो पंचायत में हम लोग आ गए और आप लोगों के सामने अभी कम से कम 15-20 पदाधिकारी लोग हैं, आप लोगों ने सबको देख लिया है, सबको पहचान लिया है और भविष्य में अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है आप सीधे इनसे मिल सकते हैं। योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होगी, कितनी योजनाएं हैं सरकार की, हर विभाग में कई योजनाएं हैं, कितने विभाग हैं, तो कोई पदाधिकारी को भी सभी योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी नहीं उपलब्ध होती, कई बार हम लोगों को भी कोई देखना पड़ता है, कागज पढ़ना पड़ता है, फाइल देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग आपको भी आके बता देंगे ताकि आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया रहे क्या होता है योजना। अगर कोई हमारा श्रमिक है वो कलकत्ता में काम करता था, उसका वहाँ एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिल सकता है कम से कम, इतना आपको मालूम होगा ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उनको तत्काल एक जो मदद है, अगर मालूम नहीं होगा तो उनको ये जो मदद मिल सकती थी उस समय एक विकट परिस्थिति में वो मदद नहीं मिल पाएगी। तो यही मकसद है हम लोगों का कि आप लोगों के पास आए हम लोग और सब चीज़ बता दें। दूसरा यह है कि सरकार का ये भी है कि योजनाएं जो हैं अभी उसके अलावा और क्या काम करने की जरूरत है, इसका भी सुझाव सीधे लोगों से ही लिया जाए। तो आप लोगों ने अगर अभी भी कोई सुझाव है तो आप लोग लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका कोई सुझाव है या कोई स्थानीय स्तर की समस्या है, कहीं सड़क बनने की जरूरत है, कहीं पे बिजली का प्रॉब्लम है, कहीं पे खेल का मैदान है, कहीं पे नाला नहीं है, कहीं पे कई तरह की समस्याएं हो सकती है इस क्षेत्र की, वो आप लोग लिखित में हम लोग को दे सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई नई योजना बनी जाएगी जो सरकार के पास अभी वो योजना नहीं है लेकिन कोई योजना बन जाने से लोगों को बहुत फायदा होगा, ऐसे भी सुझाव आप लोग दे सकते हैं और हम लोग उसको सही जगह पर पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि सरकार लगातार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो हमारे नागरिक हमारे आमजन हैं उनके जीवन में सहूलियत हो, उनको आसानी हो। और अभी का समय अगर हम देखेंगे तो लगभग जो मूलभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हर गाँव में सड़क, हर मोहल्ले में नाली गली, हर गांव में बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं
जो पहले लोग सोचते थे कि बड़े बड़े शहरों में होती है, वो अब गाँव के हर एक छोटे छोटे मोहल्ले टोले में ये चीज़ें सरकार उपलब्ध कराने में सफल हुई है और आगे भी इस पर काम चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा बेहतर करने का हमेशा उसमें जगह होता है कि आज जो है उसको कल हम लोग और बेहतर करें। जैसे अगर हम एक ताज़ा उदाहरण लें शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको मालूम है कि स्कूलें काफ़ी संख्या में बनी हुई थी, लेकिन जो एक आम शिकायत आती थी कि स्कूल में टीचर नहीं है, जिसके कारण बच्चे कम जाते हैं या जाते भी तो पढ़ाई नहीं होती है। तो अभी आप लोगों को मालूम है कि कुछ एक हफ्ते पहले ही सरकार ने 1,20,000 जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा दिया गया है और वो लोग विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ जाकर पढ़ाएंगे। तो आप समझ लीजिए अगर ये सभी शिक्षक जो है ये BPSC के द्वारा एक परीक्षा से ये लोग नियुक्त हैं, तो एक कॉम्पिटिशन पास कर गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद जो स्कूलों में पढ़ाई होगी वो अच्छी गुणवत्ता की होगी। तो गरीब लोग हैं जो भी लोग हैं उनको बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में जाएंगे और वहाँ से पढ़ने में उनका एक उज्ज्वल भविष्य बनने की संभावना होगी। तो ये जो है शिक्षा के विभाग में आपको मालूम है कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और ये लगातार चलता रहेगा और अन्य विभागों में भी जहाँ मैन पावर की कमी से प्राण प्रभावित होता था वहाँ सरकार के द्वारा लगातार नियोजन करके वहाँ के लोगों को प्रस्थापित किया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण विभाग है स्वास्थ्य विभाग और CDPO मैडम दोनों ने आपको बताया कि जो कई चीज़ें हैं जो हम लोग को देखना चाहिए, बच्चे का इम्यूनाइजेशन जो उनको वैक्सीन लगता है टीकाकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहले बार हॉस्पिटल में जब वो बच्चा पैदा होगा या किसी बच्चे के डॉक्टर को है पानी यही कह रही गुरु की वाणी। तो चलिए जल जीवन हरियाली पर एक सुंदर सा स्मृति चिन्ह माननीय के द्वारा DVC सर को सपने भेंट करती हुई। जीवन का आधार जल है तो बेहतर कल है, जल नहीं तो मरना हर पल है, बूंद बूंद करना समय ही जल है। अब मैं चाहूंगा